सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। एनपीयू में सीयूईटी की बाध्यता खत्म करने की मांग को लेकर आईसा ने विश्वविद्यालय का किया घेराव। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आईसा ने आज नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय से सीयूईटी को हटाने, एकेडमिक कैलेंडर जारी करने, समय से सत्र संचालित करने, छात्र संघ का चुनाव कराने, सभी कॉलेज में सभी विषयों की पढ़ाई शुरू कराने, जीएलए कॉलेज महिला हॉस्टल को शुरू कराने इत्यादि विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय का घेराव किया। घेराव से पूर्व जीएलए कॉलेज से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन तक मार्च निकाला। विश्वविद्यालय भवन पहुंचकर मार्च एक नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गुड्डू भुइयां और संचालन जिला सचिव गौतम कुमार दांगी ने किया। मौके पर आयसा के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि आज पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था चौपट की कगार पर है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, जहां गरीबी, भुखमरी या शिक्षा बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पलामू प्रमंडल हर मामले में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। 1857 की क्रांति के नायक रहे शहीद नीलांबर पीतांबर के नाम पर इस विश्वविद्यालय का गठन किया गया, लेकिन इस विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सत्र काफी पीछे चल रहा है। 3 साल का डिग्री 5 साल में दिया जा रहा है। जीएलए और वीमेंस कॉलेज की छात्रावास बनकर तैयार है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और ठेकेदार के आपसी तालमेल ना होने के कारण अभी तक बेकार पड़ा है। सीयूईटी के जरिए छात्रों पर आर्थिक बोझ लादा जा रहा है। जिस समय सीयूईटी का फॉर्म भरवाया जाता है, उस समय झारखंड बोर्ड का परीक्षा चलता है, जिस कारण छात्र तनाव में रहते हैं। ऊपर से पलामू से दूर 300 किलोमीटर सेंटर होता है और गरीबी के कारण तकनीकी शिक्षा ना होने पर छात्रों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक में नामांकन के लिए सीयूईटी के बाध्यता खत्म करें, अन्यथा ऐसा आक्रोशपूर्ण बड़ी प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएगी। वहीं राज्य अध्यक्ष तरुण कुमार ने कहा कि सीयूईटी पूरे तरह से छात्रों पर आर्थिक हमला है। आज पूरे देश में शिक्षा को बाजारूकरण किया जा रहा है, लगातार फीस बढ़ाया जा रहा है। सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है कि केंद्र सरकार अपने मित्र अवानी अंडानी के लिए मजदूर तैयार कर रही है। रोजी रोजगार चौपट तो है ही, लेकिन रोजगार के अवसर को भी ध्वस्त किया जा रहा है। मौके पर राष्ट्रीय परिषद सदस्य तथा प्रमंडलीय प्रभारी रंजीत कुमार सिंह सहित काफी संख्या में छात्र मौजूद थे। स्टूडेंट एसोसिएशन के नेतृत्व में पलामू जिले पलामू प्रमंडल के विभिन्न कॉलेजों से विभिन्न गाँवों से छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हुए थे और छात्र छात्राओं का जो मांग था कि एनटीयू में सीयूईटी नहीं हो, समय पे सत्र चले, छात्र संघ का चुनाव हो, जिले कॉलेज और जीएस कॉलेज का जो हॉस्टल है उसे चालू किया जाए, उन तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग विश्वविद्यालय का घेराव कर रहे थे। इसी विश्वविद्यालय घेराव के दौरान यहाँ के जो वीसी साहब हैं वो आए हैं और वो इस मुद्दे पे बात रखे। देखिए, छात्रों का कुछ मांग है जो सही मांग है। 3-4 सूत्री इम्पोर्टेंट इनका मांग है, सभी स्टूडेंट का एक ही है कि एडमिशन से संबंधित जो सीईटी से अभी लागू हुआ है, बहुत बच्चे छूट गए हैं और एडमिशन लेने में उन्हें असुविधा हो रही है, तो चांसलर पोर्टल का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार सजग है कि कोई बच्चे को नुकसान नहीं हो, एडमिशन सभी का हो। तो इस पर हम समझते हैं 2-4 दिन में हम लोग का रास्ता निकल जाएगा और सभी बच्चे का एडमिशन होगा, चाहे सीईटी के माध्यम से हो, चाहे चांसलर पोर्टल के माध्यम से, लेकिन कोई बच्चे छूटेंगे नहीं। दूसरे प्रश्न था एक गर्ल्स हॉस्टल का, जिसमें अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है, अभी कुछ प्रॉब्लम है शायद क्वालिटी को लेकर। तो इसमें मैं वहाँ के प्राचार्य और सरकार से बात करूँगा कि क्या कठिनाई है, अगर कोई कठिनाई है तो उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा एक मांग छात्रों का बड़ा इम्पोर्टेंट था कि कुछ कॉलेज में यूजी और पीजी लेवल पर कुछ विषय का पढ़ाई होना चाहिए, तो मैं बच्चों को ये बताया कि कुछ प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से गुजरते हुए हम जल्द कोशिश करेंगे कि स्थानीय कॉलेजेस में भी यूजी पीजी लेवल पर पढ़ाई हो और विशेषकर
कॉमर्स की पढ़ाई, क्योंकि कॉमर्स की पढ़ाई में यहाँ कठिनाइयाँ हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर कॉमर्स की पढ़ाई में रेगुलर कोर्स में नहीं कर पाए तो कम से कम सेल्फ फाइनेंस मोड पर सरकार से परमिशन लेकर हम ये काम को करने सीख जा रहे हैं।